सो गाइज, हमारे पास आ चुकी है बोर्ड की वेव एलिवेडियस। गाइज, हमारे पास ही सबसे पहले वॉच आई है और आप सबके सामने सबसे पहला रिव्यू ये मे भी हो सकता है किसी और ने भी कर दी हो, बट हमारा जो रिव्यू होता है थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाती है और ये पहली बोट की वॉच है जो आपको एप्पल वॉच सीरीज अल्ट्रा की कॉपी मिलती है। मेरे पास एक्स्ट्रा स्ट्रैप भी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ये ऑरेंज वाला स्ट्रैप इसमें लग जाता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ऑरेंज स्ट्रैप की अनबॉक्सिंग करी, तो गाइस मैं इसमें लगा के दिखा दूंगा। एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट स्ट्रैप का ही डिफरेंस है। तो इस तरीके से पैकिंग मिल जाती है और ये आपको मिल जाती है 2299 रुपए के इंट्रोडक्टरी प्राइस के तहत, बट इसका जो प्राइस है इन फ्यूचर बढ़ जाएगा, 2500 से लेकर 3000 रुपए तक जा सकता है। तो गाइस स्टिक रहेगा हमारे चैनल पे और बेस्ट वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टिक इसलिए रहेगा हमारे चैनल पे क्योंकि हम अपडेट्स और रिव्यूज प्रीव्यूज आप सभी के लिए लाते रहते हैं, ठीक है। और चलिए, मैंने प्रीव्यू बनाया था बट बहुत सारे लोग अनबॉक्सिंग मांग रहे थे, तो अनबॉक्सिंग भी आपके सामने हाजिर है, ठीक है। एक लाइक तो बनता है गाइस। इसी के साथ साथ आप हमारे टेकपोक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील लाते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स मिल जाता है। ओके, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। मेन ईयरी वॉच, वॉच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि ये मेटल का है। इस बार बोट ने मेटल का दिया है क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में बोट कभी भी मेटल का नहीं देता था डायल, हमेशा पॉलीकार्बोनेट देता था। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग है क्या? आई थिंक ओके, वायरलेस चार्जिंग दी गई, कहीं भी मैंशन नहीं था, बट यहाँ पे बोट ने वायरलेस चार्जिंग दी हुई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं बोट की। यहाँ पे एक ही बोट हेड का स्टिकर मिलता है बेसिकली। उसके साथ साथ यहाँ पे थैंक यू कार्ड है और यहाँ पे आपको ये पूरी यूज़र मैनुअल मिल जाती है। तो चलिए इन सबको रखते हैं साइड में और मेन अपनी वॉच की तरफ आते हैं। सो गाइस, ये रही वॉच इटसेल्फ और यहाँ पे ये स्नग फिट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। मेन वॉच की तरफ आते हैं गाइस। यहाँ पे वॉच तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लग रही है। ये रोटेटेबल क्राउन मिल जाता है, ज़्यादा टक टक की आवाज़ नहीं आ रही। ये आपको सेकेंडरी बटन मिल जाता है, इसको ओपन कर लेते हैं। एक स्टिकर और लगा हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम पील ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं गेस कर रहा हूँ कि सिमेट्रिकल बेजल्स होंगी तो काफ़ी बेटर रहेगा। यूआई भी देखना चाहता हूँ यहाँ पे कैसा मिलने वाला है। मुझे ऐसा डर है, ऐसा लग रहा है, बेसिकली डर क्या है, ऐसा लग रहा है कि फायरबोर्ड का यूआई हो सकता है, बट अगेन कोई नहीं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा यूआई होने वाला है। यहाँ पे पीछे की साइड इसको पील ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और गाइस ये रहा 42mm स्ट्रैप साइज। यहाँ पे स्पीकर कमेंट मिलता है, यहाँ पे आपका ये बटन मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे यहाँ पे ऑरेंज बटन मिलता है, नो गाइस ऑरेंज बटन नहीं मिलता, ठीक है। ये स्ट्रैप आपको इजीली रिमूवेबल है और चाहो तो आप ये वाले लगा सकते हो आसानी से। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे लगा के। ये हैं ये वाले, इस तरीके से स्लाइड इन हो जाते हैं और यहाँ से इसको भी आप निकाल सकते हो और यहाँ पे इसको आप लगा सकते हो। आई थिंक ऐसे होंगे, नहीं नहीं ऐसे ही हैं। ये रहा, थोड़ा टाइट आ रहा है आई थिंक। ये गाइस मैंने दूसरी वॉच का एक्चुअली यूज़ किया है। ओके, देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली स्नग फिट है, ठीक है। तो ये आपकी बन गई ऑरेंज वाली एप्पल वॉच सीरीज अल्ट्रा एकदम कॉपी। तो गाइस ये वॉच आपकी लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक है, थिन स्पेच नहीं लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक है क्योंकि इस डिस्प्ले काफ़ी बड़ी मिलती है। यहाँ पे डिस्प्ले है 1.96 इंचेस की। आई गाइस डिस्प्ले इसमें आपको 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, होपफुली इसके अंदर बैटरी हो। तो यहाँ पे इससे आई थिंक या हो सकता है कि स्विच ऑफ ही पड़ी हो, नो बैटरी है। बोर्ड की ब्रांडिंग आ चुकी है और यहाँ पे स्किप कर देते हैं। ओके, यूआई इस तरीके से मिल जाता है आपको देखने के लिए, ठीक है। और गाइस कहीं ना कहीं ये सेम यूआई लग रहा है मेरे को। यस, मैंने जो सोचा था सेम वही वाला यूआई लग रहा है। तो ऑटो ऑलवेज ऑन ब्राइटनेस लेवल्स भी देखने को मिल जाते हैं 5 मिनट्स तक के लिए मैक्सिमम। यहाँ पे पीक ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ तो इतनी मिलती है। वैसे फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी गुड है, बट सेम डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को उसी तरह लग रही है जो मैंने कल अनबॉक्सिंग की थी। आपने अगर देखी अनबॉक्सिंग तो मेरी, तो उस तरीके से लग रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे इसको रोटेट करके आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। कितने वॉच फेस मिलते हैं यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 4 वॉच फेस मिल जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी बटन से आप यहाँ पे इसको ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे देखेंगे अभी कस्टमाइज कर सकते हो नहीं कर सकते वो भी चेक कर लेंगे। उसी के साथ साथ ऊपर की साइड से टॉगल मेनू मिल जाता है, टॉगल मेनू बहुत सारी चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे ब्राइटनेस है, यहाँ पे फोन आपका फाइंड माय फोन का ऑप्शन देखने मिल जाता है, D&D मोड है, यहाँ पे कॉल कनेक्टिविटी ऑन ऑफ कर सकते हो। सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे वॉच फेस मिल जाते हैं तो हमने चेक कर ही लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे हम जनरल पे जाते हैं तो जनरल में वे क्वेश्चन गेस्चर का ऑप्शन देखने मिल जाता है इस तरीके से। उसके बाद दोनों डिस्टर्ब मोड मिल जाता है यहाँ पे। और ये यूआई अलग है गाइस, ये यूआई मेरे को वैसा लग रहा है जो कौन सी वॉच थी, एसेट
की जो वॉच थी ना एक टाइप की एसेट वाली टाइप की, वही वाला यूआई लग रहा है। एओडी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है आपको इसमें, एनालॉग डिजिटल वाला, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बट अगेन गाइस, टीएफटी डिस्प्ले, तो बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा कम रहेगा इसका अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखोगे। बैक साइड लैंप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ ब्राइटनेस लेवल हमने चेक कर लिया, फुल है वैसे ब्राइटनेस लेवल, ठीक है बट नॉट द बेस्ट वन। और पावर ऑफ है, रिबूट है, फैक्ट्री रिसेट, अबाउट है, दैट्स इट। इसमें आपको रिंग वाइब्रेशन म्यूट का ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, और यहाँ पे आई वॉच वाला टाइप का मेन्यू नहीं है इसमें, आई वॉच वाला मेन्यू नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, टैप करके आप होम पे पहुँच जाते हो। राइट साइड में शॉर्टकट्स हैं, और लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है। तो यहाँ पे 68 का यूआई लग रहा है इसमें, स्मूथ तो है डेफिनेटली। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक बार, देखो स्मूथ तो है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, डबल टैप करके यहाँ पे आप मेन्यू को चेंज कर सकते हो। बोट ने पहली बार ये वाला यूआई दिया है, वैसे तो बोट क्रैश ओएस देता था, देखो सेम। ये गैस मेरे को कहीं ना कहीं वैसा लग रहा है मेरे को, जो बोल्ट की क्राउन वॉच थी ना उस तरीके से यूआई लग रहा है। ये देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, रेस टू वेक इसके साथ आई थिंक काम नहीं करेगा। नो गैस, रेस टू वेक काम नहीं कर रहा इसके साथ, या तो ऑलवेज ऑन या तो रेस टू वेक, एक ही चीज़ आप रख सकते हो। यहाँ पे डबल टैप करके आप वापस से चेंज कर सकते हो मेन्यू। अब गैस ए टू जी सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं, बट उससे पहले आप स्पोर्ट्स मोड चेक कर लेते हैं, वॉकिंग करके देखते हैं। 50 स्टेप चलते हैं यहाँ पे, एक्यूरेसी चेक कर लेंगे इस वॉच की इटसेल्फ, कैसी क्या मिलती है आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पहन लेता हूँ, वैसे स्नफिट आती है और एप्पल वॉच सीरीज अल्ट्रा की कॉपी लगती है बेसिकली। तो यहाँ पे हो रहा है क्या, यस। तो चेक करते हैं, 50 स्टेप चलते हैं, 52 स्टेप्स चले मैंने, 52 में यहाँ पे दिखा रहा है 68, तो गैस कुछ ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे स्टेप्स, काउंटिंग एक्यूरेसी तो डाउन ही है डेफिनेटली यहाँ पे। अब हम इसको उतार लेते हैं, आगे चेक करते हैं इसमें और चीज़ें क्या मिलती हैं आपको। यहाँ पे एंड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज रिकॉर्ड मिल जाता है और एक्टिविटी डाटा मिल जाता है, जो आपने परफॉर्म की एक्टिविटी को शो करता है। उसी के साथ साथ हार्ट रेट मॉनिटर का ऑप्शन देखने मिल जाता है, हार्ट रेट चेक करते हैं, सिंगल सेंसर चल रहा है इसमें। SpO2 भी चेक करेंगे यहाँ पे, ये क्या है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है। और ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल का ऑप्शन देखने मिल जाता है, जैसे डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है। उसके बाद स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टॉप वॉच, नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, स्लीप का ऑप्शन देखने मिल जाता है, और वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रीदिंग रिलैक्स ऑप्शन मिल जाता है, अलार्म क्लॉक देखने को मिल जाता है, अलार्म आप वॉच से इटसेल्फ लगा सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, म्यूजिक का प्लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वॉच में सॉन्ग भी सुन सकते हो, और टाइमर मिल जाता है, AI वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है इसमें आपको, और यहाँ पे आपको फाइंड फोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कैलेंडर का ऑप्शन भी देखने के लिए, और गेम्स भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे यूआई मेरे को वैसे ही लग रहा है जैसे कि ऑल्ट की गोट वाला था ना टाइप का। वर्ल्ड क्लॉक मिल जाता है, कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, उसके बाद डाउनलोड ऐप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे बोर्ड की है, और सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस वॉच में इटसेल्फ। अभी काम करते हैं, एप्लीकेशन से इसको पेयर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसकी लाउडनेस कैसी क्या मिलती है, और सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। इस बोर्ड की वेरिएबल एप्लीकेशन है और बहुत सारी परमिशन मांगती है A to Z, सारे के सारे आपके फ़ोन की A to Z परमिशन मांगती है, देन ओनली यहाँ पे लॉगिन होती है, वरना लॉगिन नहीं होती, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ब्लूटूथ और लोकेशन सर्विसेज भी आपको ऑन रखनी है, देन ओनली ये पेयर होगी, नहीं तो पेयर नहीं होगी, ठीक है। इनेबल कर देना ब्लूटूथ, और यहाँ पे लोकेशन परमिशन आपको ऑन कर देनी है, और यहाँ पे सर्च होगी अब, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आ जानी चाहिए वैसे, और यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा बोर्ड के एलिवेट करके उसको आपको पेयर कर लेना है। सो गैस यहाँ पे आ चुकी है बोर्ड की एलिवेट BT करके, और यहाँ पे आपको यस कर देना है, दैट्स इट, और ये पेयर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड हो चुकी है सक्सेसफुली, और यहाँ पे ये वाला सेकंड प्रोफाइल भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सब मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गॉट इट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपकी ये माई वॉच मिल जाती है। माई वॉच में आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, हम फीचर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो गैस यहाँ पे आपको मिल जाता है कनेक्टेड है, बैटरी परसेंटेज शो करता है, वॉच फेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं, देखो लाइव वॉच फेस भी देखने को मिल जाते हैं इस वॉच में इटसेल्फ, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, क्रिएट वॉच फेस पे जाके, तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो टाइम, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो ये सब चीज़ चेक कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे गैलरी में से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जा रही है फाइल आपकी वॉच में। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि गैलरी में से पिक्स को क्या हम स्टोर कर सकते हैं वॉच में, तो गैस वो ऑप्शन नहीं मिलता है बेसिकली आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लग रही है पिक, यहाँ पे लग चुकी है, और इस तरीके से पिक आ रही है बेसिकली, तो ऐसे मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच होके आई है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो वैसे। उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे इधर की साइड आपको, ठीक है। कॉन्टैक्ट को सिंक्रोनाइज कर सकते हो, कितने कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो वो चेक कर लेते हैं। सो गाइज अप टू 20 कॉन्टैक्ट को आप सेव कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। उसके बाद आगे बात करें, यहाँ पे कैमरा कंट्रोल जाता है, अलर्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अलार्म आप सेट कर सकते हो, तो अलार्म लगा के देख लेते हैं एक बार।
यहाँ पे किस तरीके से कैसे यहाँ पे रिंग करता है या ओनली वाइब्रेट करता है वो चेक कर लेते हैं। ऐड करते हैं अलार्म को, अभी 3:31 हो रहा है, 3:32 का हम लगा लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे रिंग करेगी या वाइब्रेट करेगी वॉच। वॉच सेटिंग का ऑप्शन देखने में ज़्यादा यहाँ पे वेक गेशन यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, 24 आवर आपको वो रखना है और एंटी लॉस्ट डिमांड रखना है आपको। यहाँ पे ऑटो हार्ट रेट डिटेक्शन का वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन देखने को, ये देखो वॉच में वाइब्रेट हो रही है, रिंग नहीं कर रही है बेसिकली। ठीक है, और फॉर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट वॉच ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये है। और वॉच सेटिंग में यहाँ पे हमने चेक कर लिया था, बैकलाइट यहाँ पे आप देखने को मिल जाता है कितने टाइम तक आपको ऑन रखनी है, यहाँ पे मिल जाता है 20 सेकंड तक। ठीक है, तो इस तरीके से वाइब्रेशन मोड भी आप यहाँ पे चेंज ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं इसकी वो साउंड क्वालिटी कैसी क्या मिलती है। एक बार मैं कॉल मिला के दिखाता हूँ आप सभी को। सो गाइस आई थिंक यहाँ पे यस कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन है और लाउडनेस ठीक है यहाँ पे, बट इसमें एमोलेड डिस्प्ले होती तो और मज़ा आता है। वैसे डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को ठीक लगी बट बेस्ट नहीं लगी एकदम। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे म्यूट भी कर सकते हो। और यहाँ पे अब गाइस यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी चेक कर लेते हैं एक बार किस तरीके से कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा यहाँ पे, ये रहा वॉइस असिस्टेंट। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? यस बता रहे हैं आपको, बढ़ानी आवाज़ तो फ़ोन से बढ़ा सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, इस तरीके से बता रहा है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे सॉन्ग सुन के देखते हैं वॉच सेट से। ठीक है, यस गाइस सॉन्ग सुन सकते हो और यहाँ पे कंट्रोल करना है आपको, तो म्यूज़िक प्लेयर पे जाना है आपको और म्यूज़िक प्लेयर से आप स्विच भी कर सकते हो। वॉच में सॉन्ग सुननी है, फ़ोन में सुननी है, उससे आप स्विच भी कर सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रही है। वॉच में सॉन्ग सुन सकते हो, उसी के साथ साथ अगर आपको फ़ोन में सुनना है तो यहाँ पे आप इसको टैप करना है बस इस पर। ठीक है, इस पर करना है और अब आपके फ़ोन में बजेगी। देखो वॉच पे करना है तो इस पर टैप करना है, इस पर ये देखो अब इस पर बजेगी बेसिकली। ठीक है, वॉच पे, तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं दूसरे फ़ोन से कॉल मिला के देखते हैं यहाँ पे रिंग करती है वॉच या वाइब्रेट करती है, क्या ऑप्शन आता है या नाम आता है नंबर आता है वॉच में। सो गाइस बाय डिफॉल्ट ही वाइब्रेट ही कर रही है, दैट्स इट, यहाँ पे रिंग नहीं कर रही है, तो यही ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे कट का और उठाने का ऑप्शन मिलता है, तो गाइज़ ये एक फ्लॉ है कहीं ना कहीं इसके अंदर, रिंग नहीं कर रही वॉच। ठीक है, अब एक काम करते हैं हाथ पे पहनते और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं। फाइनल कंक्लूजन देता हूँ इस वॉच का कि वॉच वर्थ है कि नहीं है। सो गाइज़ हमने ऑक्सीमीटर को वेयर कर लिया यहाँ पे, देख सकते हो, और यहाँ पे भी हम हार्ट रेट को चेक करते हैं सबसे पहले। ये रहा हार्ट रेट, ठीक है, वैसे सेंसर डेडिकेटेड मिल जाता है बट अगेन गाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, कोई भी कंपनी भी नहीं बोलती वैसे भी कि मतलब हमारे मेडिकल डिवाइस है आप इसको आप चेक करें, इससे आप हार्ट रेट SPO2 चेक करें, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है ऑक्सीमीटर में, 99 SPO2 दिखा रहा है, 90 हार्ट रेट दिखा रहा है हमारा और यहाँ पे 70 दिखा रहा है। तो गाइस हार्ट रेट की एक्यूरेसी इस तरीके से देखने को मिलती है, यहाँ पे एक्यूरेसी डाउन है डेफिनेटली यहाँ पे। ठीक है, और चलिए गाइस हार्ट रेट तो हमने चेक कर ही लिया, अब SPO2 चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे SPO2 के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी और ना ही कंपनी बोलती है। देखो सिंपल सी बात है, अगर गाइज अगर आपको एप्पल वॉच सीरीज या अल्ट्रा की कॉपी चाहिए तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं, बट अगर थोड़े से पैसे और डाल सकते हैं तो आपको AMOLED डिस्प्ले के साथ भी वॉच मिल सकती है। ठीक है, और AMOLED डिस्प्ले के साथ कौन सी वॉच मिल जाएगी आपको, वो आपको टोटली फिर आपको दूसरी कंपनी मिलेगी, चाइनीज कंपनी मिलेगी बेसिकली। ठीक है, उसका नाम आई थिंक S8 अल्ट्रा मैक्स कुछ करके नाम है उसका, उसमें AMOLED डिस्प्ले मिलती है आपको। ठीक है, ये है और ये आपको 2299 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है, बट अगेन गाइस फीचर्स में काफ़ी ओवरलोडेड है, फीचर्स आ रहे हैं आपको, गेम्स कैलकुलेटर कैलेंडर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, 5x4x मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, डिस्प्ले साइज बड़ा है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसमें। ठीक है, बट अगेन गाइस इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस्ट टू काम नहीं कर रहा है। दूसरा यहाँ पे आपको जो एक्यूरेसी डाउन मिलती है बहुत ज़्यादा बेटर नहीं मिलती आपको इसमें एक्यूरेसी। ठीक है, और रिंग विंग नहीं करती वॉच, ऑनली वाइब्रेट करती, तो ये इशू है इसके अंदर। ठीक है, और गैज वैसे बेस्ट वेलिंग आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। ठीक है, ये वॉच डेफिनेटली आप ग्रैब कर सकते हो, 2299 में ठीक है, बट उससे ज़्यादा में मत करना, ये ध्यान रखना, उससे कम में बाय करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कूपन कोड से और कम में बाय कर सकते हो, 150 रुपये तक का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो गैज चैनल को सब्सक्राइब करें ना कहीं बचाना, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।